केज नंबर 2 की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई जाएगी। केज नंबर 2 में मेल और फीमेल कंफर्म करवाए जाएंगे। केज नंबर 2 ने जो एग्स दिए हुए फर्टाइल हैं या नहीं वो आप व्यूअर्स के साथ शेयर किए जाएंगे, और अगर केज नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी व्यूअर्स के साथ विद प्रैक्टिकल शो कराई जाएगी। तो चलते हैं जनाब इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरजे पिजन प्रोफेशनल्स और मैं हूँ आपके साथ आरजे। आज केज नंबर 2 की वीडियो फिल्माई जा रही है और इसमें आपको लिए चलते हैं, व्यूअर्स को शामिल करते हैं इसमें कि उन्हें दिखाया जाएगा आज कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ली हुई हैं। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। और माशाल्लाह से ये केज नंबर 2 का मेल खड़ा है, बहुत ही ह्यूज साइज़ में है। ये देखें इस जगह पे इस फ्रेम में आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इसकी टेल कुछ काटी भी हुई है और कुछ जो है वो निकल आई हुई है, तो जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा रेड जैकेट किस्म का मेल है। ये देखें माशाल्लाह से ह्यूज साइज़ में है, और इस तरह की क्वालिटी बर्ड जो है वो हमारे पास आरजे पिजन प्रोफेशनल्स लॉफ्ट में मौजूद होते हैं, और इन्हीं पे ही क्वालिटी जो है वो वीडियोस बनती हैं और आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास किस किस्म की ब्रीड है, उनमें क्या मसले मसाइल आते हैं और उनका एट द एंड हम हल क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहती हैं। तो ये माशाल्लाह से मेल आ गया, और ये फीमेल है जनाब, रेड जैकेट चॉकलेट किस्म की फ़ीमेल है, जिसे काइट फीमेल भी कहा जा सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये मेल से थोड़ी सी साइज़ में कम है, लेकिन इसे रेड जैकेट मेल के साथ लगाने का मकसद यही है कि हमें एक अच्छी ब्रीड मिल सके। और इसने लास्ट टाइम हमें एक बहुत ही अच्छा पीस जनरेट करके दिया है चेक्स में, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन में देख सकते हैं, जो कि लिंक है हमारा केज नंबर 2 का पिछली वीडियोज़ का। और अगर आप वैसे इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, जो कि हम हिस्ट्री एज इट इज़ जो है वो केज वाइज बना रहे होते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके केज नंबर 2 की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्वालिटी ब्रीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, कौन से कलर्स आपस में मिला रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लॉफ्ट में तो उनको हम किस तरह कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हज़रात हैं, जिस तरह बाकी जो लव बर्ड और इस किस्म के चैनल्स बन चुके हुए हैं और उनके ऊपर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो इसी तरह जो बर्ड्स हैं उनमें इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया अभी तक, यानी कि पिजन्स में, तो वो स्टेप जो है इंशाल्लाह हमने लिया हुआ है, और इस तरह की जो है हिस्ट्री मुकम्मल मेंटेन कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, और अपने व्यूवर्स के साथ पहुंचा रहे हैं और अपने व्यूवर्स को पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह आपने मेल और फीमेल कन्फर्म कर लिया, जिस तरह का ये रेड मेल है और ये काइट फीमेल है। तो चलते हैं जनाब, अब इसने एग्स दिए हुए हैं तो हम देख लेते हैं कि वो एग्स फर्टाइल हैं या नहीं। तो ये जनाब इसने 2 एग्स दिए हुए हैं, और माशाल्लाह से साइज़ चेक करें इनका, इससे अंदाज़ा होता है कि बर्ड्स का जो है वो साइज़ क्या है और उन्हें किस तरह की जो है वो खुराक वगैरह दी जाती है, कि उनके एग्स देखें किस साइज़ के निकले हुए हैं। और माशाल्लाह से दोनों ही बहुत ही अच्छे साइज़ में हैं। तो इनकी कैंडलिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप कैंडलिंग में देख रहे हैं कि ये दोनों ही जो अंडे हैं वो अनफर्टाइल हैं, तो ये आपने कैंडलिंग में देख लिया, और आपने हमारे केज नंबर 2 की ब्रीडिंग प्रोग्रेस में हमारे जो है वो बर्ड्स की प्रोग्रेस देखी है कि इसने ये दोनों ही एग्स जो हैं वो अनफर्टाइल किए हुए हैं। पिछली दफ़ा इसने फर्टाइल किए थे और इस दफ़ा इसने अनफर्टाइल किए हुए हैं। तो इसकी अनफर्टिलिटी मैंने पिछली दफ़ा ही आपको बता दी थी कि इसकी जो है वो टेल वगैरह आ चुकी हुई है, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा अनफर्टाइल करे। तो इनसे अनफर्टाइल करवाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि जब अमेरिकन फैंटेल खसूसन इस ह्यूज साइज़ में इनकी टेल्स बढ़ जाएं, तो कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किए हुए थे कि टेल ना काटने से भी इनकी फर्टिलिटी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस पर हमने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर टेल्स इनकी बढ़ जाएं तो फिर इनमें क्रॉसिंग में मसला होता है, तो ये जो एग्स देंगे वो अनफर्टाइल देंगे। तो ये आपके सामने लाइव डेमो है जिसमें हमारे पेयर ने जो है वो अनफर्टाइल एग्स दिए हैं। तो ये बनाने का वीडियो बनाने का और इनकी टेल्स ना काटने का मकसद यही था कि हम व्यूवर्स को दिखा सकें कि इस तरह की इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन 100% इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, बाद का ऐसे होता है कि फर्टिलिटी रेशो आ जाती है, लेकिन ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेशो है किसी भी पेयर में टेल्स होने के साथ वो बिल्कुल ही कोई 51% होती है, 100% नहीं आती, जिसकी वजह से हमें मजबूरन इनकी टेल्स काटनी पड़ती हैं, क्योंकि ये पेयर खूबसूरत नहीं लगता जिस तरह की अब लग रहा है मुकम्मल टेल्स के साथ, लेकिन यह है कि हमें टेल्स काटनी पड़ती हैं ताकि हमें जो है वो ब्रीड प्रॉपर मिल सके और एज अ बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इसे चला सकें। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है, जिन्हें मेल और फीमेल कंफर्म हुआ है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई गई है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाती। तो ये केज नंबर 2 की आज की वीडियो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केज नंबर 3 में मिलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।